इस मीटर के उपर 30 किलोवाट तक का लोड आप चला सकते हैं। इस तो बाद आप उपर बल्ब चेक करते हैं जी, जिवें तुसी वेख सकते हो कि यह वाला जो बल्ब आ 9 वाट का जी, 9 वाट का बल्ब आ, कि यह वाकई 9 वाट ही हुंदा जां नहीं, आप इत्थे लगा के देखते हैं। सत श्री अकाल जी, अज की वीडियो में ना आपां तुहाडे लई लैके आए हैं जी मीटर। अक्सर तुसी अपनी वीडियो दे विच देखते हुंदे सी कि जिवें कि किसी भी चीज़ के आपां वाट देखने अंपेयर देखने वोल्टेज देखने, उदो मैं तुहानू आ वाला मीटर दिखाउंदा हुंदा जी। पिछले काफ़ी सालों तो मैं यह वरत रहा, तो इहदी जगह के उपर मैं हुण आ वाला मीटर लेके आंदा जी। इहदी जो डिस्प्ले आ इहदी नीले रंग की डिस्प्ले आ, कई वारी ना जिवें हुण कोई चीज़ आपां नूं दिखाउणी हुंदी आ वीडियो दे विच, उदो फिर इहदे जो अक्खर आ उह पूरी चंगी तरह तुहानू नहीं दिखदे। इसलिए मैं आ वाला मीटर लेके आया जी, जो तुसीं वेख रहे हो। वीडियो मैं इसलिए बनाउण लगा क्योंकि अक्सर ही जो तुसीं आ वाला मीटर देखते सी जां आ वाला देखते सी, उदों तुसीं पुछदे हुंदे सी कमेंटां दे विच कि इह वाले मीटर कित्थों मिलदे आ। जिहड़ा तां आ वाला मीटर आ जी, इह मैं मंगाया सी चाइना तों। जदों करोना तों पहलां चाइना खुल्ला सी उदों 1 महीने बाद ही आया सी अलीबाबा तों, 1200 रुपये का उदों आया सी जी। हुण वैसे अपने इत्थे मिल जांदा 1800 रुपये के आसपास होने की कीमत आ शायद इन्ने क रुपया दे विच। बाकी जे तुसीं मंगवाउणा तां वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक आ, उत्थों तुसीं मंगवा सकते आ। ते इक आ मीटर मंगवाउण दा मेरा होर भी कारण सी क्योंकि इहदे विच तुसीं वेख सकदे हो कि इत्थे मोरी आ जी। असल दे विच इहदे विच ना इक सीटी कोयल लगी हुई आ जो कि इहदे विच नहीं सी। इहदे ते मैं ज़्यादा लोड नहीं चलाउंदा सी, तो इहदे उपर मैं ज़्यादा लोड चला सकदा क्योंकि जिहड़ी सीटी कोयल हुंदी आ इहदे विच जो लोड वाली तार आ उहदे आपां विच दी ही लंघा देनी हुंदी आ, तो जिहदे करके मीटर के उपर बिल्कुल भी लोड नहीं आउंदा। इस तरह एक आह मीटर तुसीं वेखदे हुंदे सी वीडियो दे विच, इहदे विच जिवें तुसीं वेख सकदे हो कि एक फेज दो वायर एनर्जी मीटर, यह जिवें अपने घरां दे विच मीटर लगा हुंदा, यह यूनिटां भी कढ़दा, वोल्टेज भी दिखाउंदा, वोल्टेज भी दिखाउंदा, वाट भी ते अंपेयर भी, इन्नी एक चीज़ आपां नूं दिखाउंदा जी। तो जे इहदी मैं कीमत की गल करां, यह वाला भी जो मीटर आ भी 1700-1800 रुपये का मिलता पिया जी। तो जिहड़ा आह वाला मीटर आ जो मैनूं मिलिया ऑनलाइन मैं मंगवाया एमाजॉन तो, जे मैं फीचर की गल करा भी मैं तुहानूं पहलां दिखा देवां फीचर ये आपां नूं की मिलेगा। यह वाला जो मीटर है आपां नूं मिलिया जी 2300 रुपये के, ये आपां नूं की मिलेगा ये जिवें उपर सब तो पहला तुसीं वेखो लिखा होया कि इहदा जिहड़ा मॉडल नंबर आ, तो एक नंबर से आपां इहनूं एसी 40 वोल्ट तो लैके 300 वोल्ट एसी सप्लाई दे सकते हैं। 0.0 तो लैके 100 अंपेयर तक तुसीं इहदे उपर इत्थे स्क्रीन ते अंपेयर वेख सकते हो। उस तो बाद आ जी वाट, इहदे उपर आपां 30,000 वाट तक देख सकते हैं कि 30,000 वाट तक का लोड आपां चला सकते हैं, 30 किलोवाट तक। इस मीटर के उपर 30 किलोवाट तक का लोड आपां चला सकते हैं। उस तो बाद किलोवाट यानी कि जिहड़ियां यूनिटां हुंदियां लगातार देखण दे लई वी किन्नियां यूनिटां की खपत होगी, तकरीबन 1,00,000 यूनिट के आसपास आपां इहदे उपर वेख सकते हैं जी। इत्थे लिखा 99,999। उस तो बाद जो इसके उपर फ्रीकुएंसी है 45 तो लैके 65 तक, इस तो बाद जिवें पावर फैक्टर भी वेख सकते आपां 1 तो लैके 0 तक, ये आपां नूं इहदे विच सहूलत मिलनगियां जी। डिस्प्ले के उपर आपां नूं दिखाई देवेगा जिवें तुसीं इत्थे वेख सकते हो कि 1 नंबर ते 2 नंबर। वीडियो बनाउंदे बनाउंदे मीह दा छड़ाका आ गया ते मैनूं अंदर समान लैके आउणा पिया। मैं तुहानूं हुण इक वारी कनैक्शन दिखा देवां जी। जिवें तुसीं आ वेख सकते हो कि पिछों 2 तारां आईयां नीली ते काली, नीली फेज वरत्या गया ते अपना काली न्यूट्रल आ। इहदा 1 नंबर ते 2 नंबर इत्थे दित्ती हुई जी सप्लाई, ठीक है जी। आपां 1 नंबर नूं इत्थे न्यूट्रल लगा दित्ता ते 2 नंबर ते फेज लगा दित्ता, नाल ही आपां ने इत्थों 2 तारां दे टोटे कढ ले सी जिहनूं आपां लूप कह दिंदे आ। हुण जिहड़ी न्यूट्रल सी आपां सीधी प्लग नूं लगा दित्ती, ठीक है जी। जिहड़ी अपनी सीगी फेज ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 2 ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। इस तो बाद आप जी तुसी वेख सकते हो कि इस जगह के उपर यह अपना मीटर लगा दिता। इस तरह यह ज़्यादा रंगा दे विच आपां नूं दिखाई दिंदा जी। जे आपां हुण इहदे मुकाबले इहदी गल करदे हां तां तुसी वेख सकते हो कि काफ़ी अखर जो इहदे ते धुंदले जिहे दिखाई दिंदे आ जी।
हुण आपां नूं चैक करदे आ। चैक करन दे लई सब तो पहले आपां मोबाइल चार्ज ही लैंदे आ जी। ये वाला मेरे को 80 वाट का मोबाइल चार्ज है जी, नले तो आपां पता लग जूगा वाकई 80 वाट हैगा जां है नहीं गा। इहदे विच आपां लगा के ठीक है जी मोबाइल इहनूं अटैच कर दिता तो स्विच लगा दिंदे आ तो ये चार्ज होण लग गया। ठीक है जी इत्थे तुसीं वाट देखदे चलिओ, इत्थे लिखा आ गया 80 वाट, इस जगह दे उपर हजे 80 वाट होए नहीं, हो जाएंगे। आ देखो जी 75 तो मुड़िया है, यानी कि 75 तो वापस मुड़िया। उहदा कारण की सी कि मोबाइल 50% तो ज़्यादा पहले ही चार्ज हो चुका है, जिहदे करके हुण तुसीं वाट वेख सकते हो कि 60 वाट ते इह रुक चुका। इस जगह दे उपर वोल्टेज आ रहे आ 219 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीकुएंसी आ, 0.22 एम्पीयर यह लै रहा, तो जिहड़ा पावर फैक्टर आ इस चार्जर का वह आ जी 0.60, क्योंकि SMPS का जो सप्लाई का पावर फैक्टर होंदा यह 60 होंदा। इहदा कारण होर होंदा उहदा मैं तुहानूं दस्सूंगा बाद दे विच कि इहदा की कारण आ, ते इहदी आपां वीडियो फिर दिखा बनावांगे पावर फैक्टर ते। ते एक वारी आपां हुण तुहानूं दिखा दित्ता कि इस तरह यह आपां नूं दिखाई दिंदा जी। जेकर तुसीं इह मीटर मंगवाउणा इह वाला तुसीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के जाके कलैक्ट करके मंगवा सकते हैं, रेट जान सकते हैं जी। इस तो बाद आप उपर बल्ब चैक करते हैं जी, जिवें तुसीं वेख सकते हो कि यह वाला जो बल्ब आ 9 वाट का जी, 9 वाट का बल्ब आ, कि यह वाकई 9 वाट ही हुंदा जां नहीं आप इत्थे लगा के देखते हैं। लो हुण आपां इत्थों स्विच लगा दित्ती आ, पर यह वाला जो बल्ब आ ये 7.5 वाट का जी, 7.5 वाट का यह बल्ब आ जिहड़ा इहदे उपर लिखा गया 9 वाट का। ये पिछे भी कारण है, वो भी मैं तुहानू आने वाली वीडियो के दसूँगा। ये बल्ब भी अजकल पहला नाम काफ़ी चेंज हो चुके हैं जी। अज की अपनी वीडियो इन्नी सी जी, वेखन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।